नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा कोहली और आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें हम विस्तार से बताएंगे संसद के आज के एजेंडे के बारे में। आज संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन है। दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण कामकाज होंगे। क्या है संसद में आज, जानते हैं और करते हैं शुरुआत और नज़र डालते हैं दोनों सदनों में आज के कामकाज की। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के बारे में। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेन प्रसाद मंत्रालय से संबंधित समिति की सिफारिशों पर वक्तव्य देंगे। वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेटा वस्त्र मंत्रालय से संबंधित संगठित और असंगठित क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा उपाय के बारे में श्रम वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के संबंध में वक्तव्य देंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कॉफी बोर्ड मसाला बोर्ड रबड़ बोर्ड चाय बोर्ड और समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण से संबंधित समिति के लिए सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह केंद्रीय रेशम बोर्ड के लिए चार सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह राजभाषा समिति के लिए सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। नियम 377 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अनुदानों की मांगों पर सामान्य चर्चा और मतदान किया जाएगा। इसके साथ ही विधायी कार्य में जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पुनर्स्थापित विचार तथा पारित किए जाने की संभावना है। आइए अब जानते हैं राज्यसभा के कामकाज के बारे में। सदस्य एम मोहम्मद अब्दुल्ला को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री निमूबेन जयंती भाई बांभनिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में समिति की सिफारिशों पर अपने वक्तव्य देंगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा एम्स के राजकोट नागपुर कल्याणी पुडुचेरी रेवाड़ी नई दिल्ली के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। आइए अब जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले राजकोट गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद परशोत्तम भाई रूपाला कृषि और किसान कल्याण मंत्री से कृषि अवसंरचना कोष से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना के उद्देश्य और ब्यौरा क्या है, आज की तिथि तक उपरोक्त योजना की स्थिति क्या है और उसका ब्यौरा क्या है, और क्या पीएम कुसुम योजना को एआईएफ का हिस्सा बनाया गया है, और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। इरोड तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशुगम के सांसद केई प्रकाश कृषि और किसान कल्याण मंत्री से कृषि संकट और आत्महत्या की घटनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या तमिलनाडु राज्य में कृषि संकट और किसान आत्महत्याओं के मुद्दे को हल करने के लिए कोई पहल की गई है, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। तमिलनाडु क्षेत्र में किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़े क्या है और उन्हें किस आधार पर पहचाना जाता है। कृषि संकट और किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के प्रमुख कारण क्या हैं और उन्हें किस आधार पर पहचाना जाता है। भिवानी महेंद्रगढ़ हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मवीर सिंह कृषि और किसान कल्याण मंत्री से किसानों के समक्ष आने वाली समस्याओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार देश में विशेष रूप से हरियाणा राज्य में किसानों के समक्ष आने वाली समस्याओं से अवगत हैं, यदि हाँ तो सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं, और यदि नहीं
तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार किसानों को विशेष रूप से हरियाणा में सहायता प्रदान करने के लिए कोई नई योजना या नीति शुरू करने का विचार रखती है? रामटेक महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद श्याम कुमार दौलत बर्वे कृषि और किसान कल्याण मंत्री से एमएसपी अवसंरचना से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या किसान संघों द्वारा की गई मांग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का प्रस्ताव है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। क्या कुछ राज्यों में एमएसपी संबंधी बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है और यदि हाँ तो इसके क्या कारण है। हाटकणगले महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद धैर्यशील संभाजीराव माने कृषि और किसान कल्याण मंत्री से कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या केंद्र सरकार ने देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की नवीनतम यानी कि 17वीं किस्त जारी कर दी है और यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके लाभान्वित होने वाले कुल किसानों की संख्या क्या है। क्या सरकार कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम के तहत 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र देने का विचार रखती है और यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। महाराजगंज बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कृषि और किसान कल्याण मंत्री से गुणवत्तापूर्ण बीजों की सुलभता से जुड़ा प्रश्न करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि बहुत छोटे किसानों के पास गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध नहीं है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार देश में किसानों को वैज्ञानिक तरीकों के साथ साथ शुद्ध जैविक बीज उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना क्रियान्वित कर रही है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। कोरापुट ओडिशा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका कृषि और किसान कल्याण मंत्री से कोल्ड स्टोरेज और उनकी क्षमताओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि देश में वर्तमान में चालू कुल कोल्ड स्टोरेजेस की संख्या कितनी है तथा तमिलनाडु और राजस्थान सहित राज्यवार उनकी भंडारण क्षमता कितनी है। क्या मौजूदा कोल्ड स्टोरेजेस देश भर के किसानों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं और यदि नहीं तो राजस्थान सहित राज्यवार अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता का ब्यौरा क्या है। आनंदपुर साहिब पंजाब से आम आदमी पार्टी से सांसद मलविंदर सिंह कंग कृषि और किसान कल्याण मंत्री से अनुबंध खेती से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या देश में अनुबंध खेती पर प्रतिबंध है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार को जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में अनुबंध खेती से संबंधित कार्य में विभिन्न कंपनियां शामिल हैं? यदि हाँ तो पंजाब में जिलावार ब्यौरे सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है। खजुराहो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विष्णु दत्त शर्मा कृषि और किसान कल्याण मंत्री से चावल कपास और सरसों की प्रतिरोधी किस्में जारी किए जाने से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार के पास विशेषकर मध्य प्रदेश में चावल की कम फॉस्फोरस प्रतिरोधी DRR धान 60 BT कपास की एक शाकनाशी प्रतिरोधी और कीट प्रतिरोधी किस्म BG2 RRF और सरसों की अधिक उपज देने वाली और सूखा प्रतिरोधी किस्म DMH 11 को जल्द से जल्द अनुसूचित और जारी करने का कोई प्रस्ताव या योजना है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। इलूरू आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद पुट्टा महेश कुमार कृषि और किसान कल्याण मंत्री के पास पाम ऑयल कृषकों के कल्याण से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि पिछले 5 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से एलुरू जिले में पाम ऑयल किसानों की कुल संख्या और इसकी खेती के लिए उपयोग की गई हेक्टेयर भूमि का वर्षवार और जिलावार विवरण क्या है। करीमगंज असम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कृपानाथ मल्लाह कृषि और किसान कल्याण मंत्री से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या यह सच है कि किसान के नामांकन की दृष्टि से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना बन गई है और साथ ही बीमा प्रीमियम के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी योजना बन गई है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। कटक ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि मेहताब वाणिज्य और उद्योग मंत्री से उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन संबंधित दावों के निपटान से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद पूछेंगे कि क्या सरकार उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन संबंधित दावों का निपटान वार्षिक आधार पर करने की बजाय तिमाही आधार पर करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने ऐसी और LED लाइटों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्हाइट गुड्स योजना के लिए आवेदन विंडो फिर से खोल दी है।
मावल महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद श्रीरंग अप्पा चंदुबार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री से उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं? यदि हाँ तो उनके प्रयोजन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने सभी 14 क्षेत्रों के लिए PLI योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। पालघर महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा वाणिज्य और उद्योग मंत्री से जिलों को निर्यात केंद्र बनाए जाने संबंधी पहल से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने जिलों को निर्यात केंद्र बनाए जाने संबंधी पहल के अंतर्गत देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता की पहचान की है। यदि हाँ तो विशेषकर पालघर जिले सहित महाराष्ट्र और राज्यवार अब तक पहचाने गए स्थानों और उत्पादों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार द्वारा विशेष रूप से पालघर जिले में वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत कोई अन्य पहल की गई है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। घोसी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद सहकारिता मंत्री से सहारा कॉपरेटिव्स में निवेशकों की रिफंड स्थिति से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहारा सहकारी समितियों में अपनी मेहनत की कमाई जमा करने वाले लाखों निवेशक पिछले 4-5 वर्षों से अपने निवेश की वापसी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि हाँ तो उन लोगों और निवेशकों की संख्या और इन समितियों के पास जमा धनराशि का रजवावार राज्यवार ब्यौरा क्या है। अकबरपुर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद देवेंद्र सिंह उर्फ भोले सिंह सहकारिता मंत्री से भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि सरकार द्वारा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना के उद्देश्य से और लक्ष्य क्या है और BBSL के देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और देश को बीज उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने में किस प्रकार सहायता मिलने की संभावना है। तिरुपुर तमिलनाडु से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद सुब्बा नारायण के ग्रामीण विकास मंत्री से मनरेगा योजना के तहत कार्य दिवसों में वृद्धि संबंधित प्रश्न किया जाएगा। वे पूछेंगे कि क्या यह सच है कि कई राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को न्यूनतम 100 दिन का काम नहीं दिया जाता है। यदि हाँ तो पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्यवार औसतन कितने दिनों का रोजगार दिया गया है। चंद्रपुर महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद प्रतिभा सुरेश धानेरकर ग्रामीण विकास मंत्री से PMGSY के अंतर्गत पृथक निधि से जुड़ा सवाल पूछेंगी। वे जानना चाहेंगी कि क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए पृथक धनराशि का प्रावधान करने के लिए सभी राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं। यदि हाँ तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है। राजगढ़ मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रोडमल नागर वस्त्र मंत्री से हथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु योजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वे हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा जानना चाहेंगे और वो ये भी पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों के दौरान सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के विस्तृत आंकड़े क्या हैं और कपड़ा व्यापारियों और बुनकरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए न्यायसंगत और सुरक्षित आय के लिए सरकार के विचाराधीन योजनाओं के नाम क्या हैं और उनका ब्यौरा क्या है। मंदसौर मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधीर गुप्ता वस्त्र मंत्री से वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला आयोजित किया है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के लिए वस्त्रों हेतु 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दी है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का वस्त्र क्षेत्र को PLI योजना के अंतर्गत शामिल करने का कोई विचार है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। आइए अब जानते हैं कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे संबंधित कौन से मंत्री उसका उत्तर देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 11 सवाल कृषि और किसान कल्याण से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। वहीं प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित दो सवाल पूछे जाएंगे, इसका जवाब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। प्रश्नकाल के दौरान दो सवाल वस्त्र मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, इसका जवाब केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कॉरपोरेट कार्य, वित्त, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन और उर्वरक, बंदरगाह और पत्तन पोत, परिवहन एवं जलमार्ग से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे। आइए जानते हैं इन प्रश्नों के बारे में। प्रश्नकाल में महाराष्ट्र से बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अजीत माधवराव गोपचड़े स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके पशु चिकित्सा दवाओं के लिए एक अलग नियामक निकाय स्थापित करने की कोई कार्यवाही की है, क्योंकि पशु चिकित्सा दवाओं के लिए एक अलग दवा नियामक के कई फायदे हैं। तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अनिल कुमार यादव मंदादी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछेंगे कि क्या सरकार ने नीट यूजी काउंसलिंग को बिना कोई नई तारीख घोषित किए स्थगित कर दिया है, यदि हाँ तो इसके कारण क्या हैं और क्या सरकार इस बात से अवगत है कि नीट यूजी काउंसलिंग के स्थगित होने से लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। इसके अलावा वे जानना चाहेंगे कि नीट यूजी काउंसलिंग को बिना किसी परेशानी के आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या उठाने जाने वाले कदमों का विवरण क्या है। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जानना चाहेंगी कि क्या सरकार एचआईवी संक्रमित महिलाओं को उनके निकटतम सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ने और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय कर रही है कि सभी एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिलाओं को तुरंत उपचार मिल सके, यदि हाँ तो इसका विस्तृत वर्णन क्या है। प्रश्नकाल में केरल से राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछेंगे कि क्या सरकार ने एक्यूपेंचर को स्वास्थ्य चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता देने के लिए कोई कार्यवाही की है, क्या इस उद्देश्य और एक्यूपेंचर को बढ़ावा देने के लिए कोई शीर्ष समिति बनाई गई है, यदि हाँ तो समिति की सिफारिशों और दिशा निर्देशों का विवरण क्या है और सरकार द्वारा उन सिफारिशों और दिशा निर्देशों पर क्या कार्रवाई की जा रही है, साथ ही क्या सरकार किसी राष्ट्रीय स्तर की परिषद बनाने पर विचार कर रही है और क्या मंत्रालय ने एक्यूपंचर को आयुष के तहत शामिल करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ कोई चर्चा की है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि अस्पतालों और चिकित्सा कॉलेजों को आयकर छूट प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वे सबसे सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर सकें। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जानना चाहेंगी कि क्या सरकार नई और उभरती हुई बीमारियों का निदान और उपचार करने के लिए कोई नई नीति पेश करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो इसका विवरण क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण क्या है। ओडिशा से बीजेडी सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि देश भर में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर फंड के प्रावधान की शुरुआत से अब तक वर्षवार कुल सीएसआर फंड का उपयोग का विवरण क्या है। वे पूछेंगे कि सीएसआर फंड कैसे वितरित किए जाते हैं और क्या कंपनियां और अन्य एजेंसियां लाभार्थियों को चुनने में कोई विशिष्ट दिशा निर्देश का पालन करती है। साथ ही वे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या देश में ऐसे फंड के उपयोग की प्रभावशीलता पर कोई अध्ययन या समिति रिपोर्ट आई है और क्या सीएसआर फंड खर्च में कोई उल्लंघन के मामले सामने आए हैं, यदि हाँ तो उसका विवरण और इस संबंध में की गई कार्यवाही क्या है। राज्यसभा में प्रश्नकाल में महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल सखदेव राव बोंडे वित्त मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि वर्तमान में विदेशों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पीएसबीएस की कुल संख्या कितनी शाखाएं हैं और अन्य संचालन बैंकवार और देशवार विवरण क्या है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप कुमार पाठक वित्त मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि अब तक 2000 के कितने नोट छापे गए हैं, 2000 के कुल नोटों की छपाई और विनाश की अनुमानित लागत क्या है। घोषणा के दिन से लेकर अब तक बैंकों,
आरबीआई को लौटाए गए नोटों की संख्या बैंकवार और राज्यवार क्या है, सरकार ने 2000 के नोटों को किस समिति की सिफारिश पर पेश किया और किस समिति की सिफारिश पर वापस लिया और इसके कारणों के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2000 के नोटों के प्रचलन और वापसी का प्रभाव क्या है। आज प्रश्नकाल में डीएमके सांसद आर गिरिराजन वित्त मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि क्या कस्टम विभाग ने पिछले 3 वर्षों में हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों पर भारी मात्रा में तस्करी किए गए सोने को जब्त किया है। यदि हाँ तो इसका विवरण और विभिन्न हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों पर तस्करी किए गए सोने की मात्रा और मूल्य क्या है। सरकार ने सोने की तस्करी को नियंत्रित करने और रोकने के लिए कौन से कठोर उपाय किए हैं और क्या सरकार ने इन तस्करों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, यदि हाँ तो इसका विवरण क्या है। तमिलनाडु से डीएमके सांसद पी विल्सन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु राज्य में घोषित पीएम रूफटॉप सोलर योजना की वर्तमान प्रगति का विवरण क्या है। वे पूछेंगे कि क्या तमिलनाडु राज्य के 40,000 पंजीकरणों के बावजूद इस योजना को पूरी ताकत से लागू नहीं किया गया है, क्या राज्य में केवल 5% लोगों को ही पैनल मिले हैं, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। साथ ही क्या सरकार ने सौर कोशिकाओं और मॉड्यूल के घरेलू विनिर्माण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। केरला से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सांसद संतोष कुमार पी रसायन उर्वरक मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि देश में जैविक उर्वरकों के लिए बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीति का विवरण क्या है, राज्यवार जैविक उर्वरकों का उत्पादन और उपयोग क्या है और जैविक उर्वरकों की उपयोग का उपज और उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद गीता उर्फ चंद्र प्रभा रसायन और उर्वरक मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार द्वारा देश के फार्मा क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष योजना चलाई जा रही है, यदि हाँ तो पिछले 3 वर्षों में स्टार्टअप्स के माध्यम से देश के फार्मा क्षेत्र में स्थापित नई उद्योगों की कुल संख्या क्या है, क्या इन उद्योगों की स्थापना में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, यदि हाँ तो स्थापित उद्योगों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की कुल राशि क्या है और पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में फार्मा क्षेत्र के तहत स्थापित नई उद्योगों की कुल संख्या और उसका विवरण क्या है। वहीं प्रश्नकाल में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय राउत बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि क्या भारतीय निर्यातकों को निर्यात के लिए कंटेनर प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ तो इसका विवरण और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, क्या सरकार ने प्रमुख बंदरगाहों जैसे न्याहवा शेवा और मुंद्रा में कंटेनरों की भारी कमी को दूर करने के लिए कोई तत्कालीन उपाय किए हैं और क्या सरकार ने कंटेनरों के अधिक संतुलन वितरण को सुनिश्चित करने के लिए शिपिंग कंपनियों को शामिल किया है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला निर्भरताओं और विघटन को देखते हुए भविष्य में ऐसी कमी को रोकने के लिए सरकार की दीर्घकालिक रणनीतियां क्या हैं? वहीं राज्यसभा सांसद नरहरि अमीन बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पूछेंगे कि क्या सरकार देश के बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव कर रही है, यदि हाँ तो इस योजना के तहत चुने गए देशों के बंदरगाहों की संख्या क्या है, चुने गए बंदरगाहों की क्षमता में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि की जा रही है और क्या गुजरात का कोई बंदरगाह इस योजना के तहत चुना गया है। आइए अब जानते हैं कि राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जो भी सवाल पूछे जाएंगे उससे संबंधित कौन से मंत्री उसका उत्तर देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्री अमित शाह देंगे। राज्यसभा में वित्त मंत्रालय से संबंधित 3 सवाल पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। वहीं 6 सवाल प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित एक सवाल पूछा जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान इसका जवाब केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। राज्यसभा में दो सवाल पत्तन पोथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय पत्तन पोथ परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल देंगे। और अब से कुछ ही देर में संसद टीवी पर देखिए राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। अभी के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।